गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हेलो एलकेन का आज लास्ट वीडियो लेक्चर होगा और इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे लास्ट रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स आज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले जो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन थी, जिसमें मैंने बात की थी रिएक्शन विद मेटल्स में सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन अपन ने देख ली है। ऐसे ही रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल ऑफ एल्केलाइड, इससे अपन ने ग्रिग्नार्ड रेजिन का फॉर्मेशन किया था और उस ग्रिग्नार्ड रेजिन से कुछ रिलेटेड जो रिएक्शन थी उनका अपन ने एक फैक्टोरियल एक चार्ट बनाया था और उस चार्ट में कंप्लीट ग्रिग्नार्ड रेजिन के रिएक्शन जो अपने एनसीईआरटी 12th क्लास में है वो सारी कवर कर रहे थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो रिएक्शन थी अपन जो डिस्कस किया वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में अपन पढ़ रहे हैं यहाँ एल्केलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसमें SN1 और SN2 के रिएक्शन विद देयर मैकेनिज्म अपन ने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड की ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करूं इससे पहले एक टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस पता रहे। देखिए जनरली अपन जो एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो अल्कोहलिक के OH की प्रेजेंस में स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जो रिएक्शंस होगी एलिमिनेशन रिएक्शन वो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक के OH की प्रेजेंस में होगा। यहाँ जो रिएक्शंस होगी इस रिएक्शंस में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इज टेक्स प्लेस। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यहां होगा और दैट मीन्स HX यहाँ क्या होगा रिमूव होगा और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा एल्कीन इज फॉर्म। अब देखिए जहां बच्चों का कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि अगर मैं एल्किल हैलाइड ले लूं और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, देखिए ध्यान रखना एक KOH लिया मैंने और इस KOH को अगर मैं एक्वस मीडियम में ले रहा हूँ, किस मीडियम में एक्वस मीडियम में ले रहा हूँ और एक एल्कोहलिक मीडियम में ले रहा हूं, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ जो रिएक्शन होगी वो SN रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और यहाँ जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस कंफ्यूजन को दूर रखना है कि यहाँ अगर KOH एक्वस मीडियम में है तो एल्केलाइड SN रिएक्शन के थ्रू क्या बनाएगा एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और अगर यही KOH एल्कोहलिक मीडियम में और RX रिएक्ट कर रहा है तो ध्यान रहे एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू वो किसका फॉर्मेशन करेगा एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको समझना है और ये कई बार बच्चे इनमें कन्फ्यूज होते हैं कि KOH एल्कोहलिक और एक्वस में क्या डिफरेंस हो, हम कैसे पता लगाएं कि रिएक्शन में SN होगी या एलिमिनेशन होगा। तो ध्यान रखना अगर एल्किल हैलाइड के अंदर जो KOH अगर एक्वस मीडियम में है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और अगर यही रिएक्शन एल्कोहलिक मीडियम में एल्कोहलिक KOH के साथ में एल्कोहलिक NOH के साथ में होगा तो 100% वहां एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आए आप उसको 100% अटेम्प्ट करें। चलिए अपन आगे चलते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने कहा कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा और ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NOH भी ले सकते हैं, यहाँ पर एल्कोहलिक NOH भी ले सकते हैं लेकिन मोस्टली अपन देखते हैं कि एल्कोहलिक KOH ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होगा HX का रिमूव होगा और एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखिए जब भी एल्कीन बनेगी यहाँ पर जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा उस डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में जो बनने वाली एल्कीन होगी उसमें अपन ये चेक करेंगे कि कौन सी एल्कीन मेजर बनेगी, इसलिए सेडजेफ रूल को अपन फॉलो करेंगे। दूसरा यहाँ जो एलिमिनेशन अपन पढ़ रहे हैं वो एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं अपन बीटा एलिमिनेशन, कौन सा पढ़ रहे हैं बीटा एलिमिनेशन। अब इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं वो देखते हैं। मैंने कोई एल्किल हैलाइड ले लिया, ये कोई मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन और इस बीटा कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन है वो कौन सी होगी अपने पास बीटा हाइड्रोजन। वापिस रिपीट करो, ये अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन इसलिए अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं, ये जो कार्बन है वो कौन सा है बीटा कार्बन और बीटा कार्बन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होगी वो कौन सी कहलाएगी बीटा हाइड्रोजन। तो जब ये एलिमिनेशन होगा तो यहां से ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है, क्या हो रही है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होने की वजह से ही इस
एलिनेशन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, बीटा एलिनेशन। तो यहाँ क्या होगा, कोई भी बेस आएगा और बेस इस एस को रिमूव करेगा और फिर ये पाई बॉन्ड क्रिएट करेगा और ये एस रिमूव करेगा। इस तरह से यहाँ से अपन एच एक्स को इस तरह से रिमूव कर सकता है और एल्किन का फॉर्मेशन करेंगे। तो बीटा एलिनेशन नाम क्यों पड़ा हुआ है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। चलिए मैं इसको आगे समझा देता हूं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस एल्कीन की, तो मैंने आपको कहा ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन कौन सी होगी, बीटा हाइड्रोजन। अब मैंने क्या कहा कि अल्कोहलिक केवल जो बेस में यूज कर रहा हूं, वो बेस क्या करेगा, सबसे पहले ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। यहां से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। देखिए इस तरह से यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गई। अब देखो सबसे पहले जो एलिनेशन हो रहा है वो बीटा हाइड्रोजन का हो रहा है, बीटा पोजीशन वाले कार्बन का हो रहा है, और उसी कारण अपन इसको बीटा एलिमिनेशन कह रहे हैं। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकलाइज होगा, यानी पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड दिस कार्बन, और ये एक्स लिव कर जाएगा, और यहां से क्या होगा एक्स और बाहर निकल जाएगा। यहां से पहले एक्स प्लस बाहर निकल गया, अब यहां से क्या निकल गया, एक्स माइनस, और इस तरह से अपने पास एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो था अपने पास इस रिएक्शन का मेथड, जिसमें अपन को ये पता लग रहा है कि ये बीटा एलिमिनेशन कैसे हो रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है और कौन सा माइनर बनता है। इसके लिए अपन बात करते हैं सेडजेक रूल की। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन लेता हूं एक बार सिंपल सा। मैंने ये कंपाउंड लिया CH3, CH2, CHX और CH3, या चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लोरीन, और यह मैंने ऐड कर दिया एल्कोहलिक KOH। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो ये जो कार्बन है वो कौन सा है, अल्फा कार्बन। अब यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन पे पड़ जाए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, यहाँ ये बीटा कार्बन और इस पे जो पड़ जाए हाइड्रोजन होगी वो कौन सी होगी, बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ दो दो बीटा हाइड्रोजन है और दोनों की पॉसिबिलिटी होती है कि वो रिमूव इन फॉर्म ऑफ एच प्लस वो रिमूव हो जाए बेस की प्रेजेंस में। तो यहां से जब अपन बात करेंगे इस अनसिमेट्रिकल हेलो एल्केन की, ध्यान रहे क्या कह रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल हेलो एल्केन की, तो यहां से इस कार्बन से भी हाइड्रोजन रिलीज होती है और HCl बाहर निकलेगा, अगर इस कार्बन से देखा जाए तो भी हाइड्रोजन निकल करके ये HCl बाहर निकलेगा। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनती है कि ए और बी बने, जिसमें ए जो बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और जो बी बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस चीज का पता लगाने के लिए, इसी चीज का पता लगाने के लिए, मेजर और माइनर का पता लगाने के लिए ही एक साइंटिस्ट था जिसको सेडजेव या जैक सेड भी कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं, सेडजेव या जैक सेड भी कह सकते हैं। तो ये रूल है अपने पास सेडजेव रूल। अब सेडजेव रूल होता क्या है, तो सिंपल सा है, अगर मैं बात करूं जनरली इस एल्कीन की, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि जिस इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर, ध्यान रखना सेट जरूर क्या कह रहा हूँ, जिस इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जितने ज्यादा सब्सटेंट ग्रुप होंगे उस डबल बॉन्डेड कार्बन वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या कह रहा हूँ, जहां डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जितने ज्यादा सब्सटेंट ग्रुप होंगे उस डबल बॉन्डेड कार्बन वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जो ज्यादा स्टेबल वाली एल्कीन होगी वो मेजर बनेगी कंपेयर देन अदर एल्कीन के। तो यही सेडजेव रूल था। तो सेडजेव ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू सेडजेव रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट, यानी वो एल्कीन बनेगी जिस पर सबसे ज्यादा सब्सटेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे, बिकॉज बिकॉज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो एक स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है थ्रू द सेडजेव रूल। चलिए एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं। मैंने ये कहा CH3, CH2, CHCl और CH3।
देखिए ये मैं इसको दो कंडीशंस में डिवाइड करता हूँ। ये मेरे पास बीटा कार्बन है, इसको मैं ए कंडीशन मान लेता हूँ, यहाँ से आर्ट निकले, और यहाँ मैं इसको बी कंडीशन मान लेता हूँ। ठीक है, दोनों कंडीशंस में मैं क्या कर रहा हूँ, एल्कोहलिक केवच यूज कर रहा हूँ। एक मैंने ए कंडीशन ली और एक मैंने बी कंडीशन ले ली। इस ए कंडीशन में जब हाइड्रोजन को मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ से ये पहले बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी, और फिर बीटा हाइड्रोजन के बाद में नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये सीएल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ HCl बाहर निकलने के बाद में जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो ये होगा वन ब्यूटीन, एल्किन बनेगी। ठीक है, कौन सी, वन ब्यूटीन। ऐसे अगर मैं बीटा हाइड्रोजन की बात करता हूं, अगर मैं बीटा हाइड्रोजन की बात करूं, इस बीटा वाले हाइड्रोजन की जो बी कंडीशन है, तो यहां से पहले एच बेस की प्रेजेंस में एब्स्ट्रैक्ट हो, ठीक है, फिर ये सीएल बाहर निकल जाए। तो देखिए यहाँ जो कंडीशन हो रही है, इस बी वाली कंडीशन में HCl बाहर निकला, और ये जो एल्किन बनी वो कुछ इस तरह की एल्किन बन गई, ये बन गई टू ब्यूटी। तो इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि दो एल्किन बन रही है, एक ये वन ब्यूटीन और एक बन रही है टू ब्यूटीन। अब अपने को ये देखना है कि कौन सी एल्किन मोर स्टेबल है, कौन सी एल्किन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन वाली है। तो देखिए यहाँ देखिए, ये जो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में लगा हुआ है, तो मैं कुछ इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एच, ठीक है, और यहाँ CH3, यहाँ CH3। इसको आप सिसो ट्रांस में भी आगे कर सकते हैं कि जो इसका भी देखा जाए तो ट्रांस इज मोर स्टेबल कंपेयर देन सिस फॉर्म, ये अपन आगे और डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो इस कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और इस कार्बन पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ ये दोनों तरफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है। तो देखा जाए तो जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्किन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, और वो एल्किन ही एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो जाहिर सी बात है, टू ब्यूटेन एज ए मेजर प्रोडक्ट हो गया और वन ब्यूटेन इज ए माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी एल्किन मेजर बनेगी, कौन सी एल्किन माइनर बनेगी थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ एल्किललाइट इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केवच। चलिए अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो एक स्टेबिलिटी ऑर्डर जो सेंटजेब के अकॉर्डिंग है वो क्या होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब भी एल्किन का फॉर्मेशन करें अपने को पता रहे कि कौन सी एल्किन इजी वे में बन रही है, और उनमें से कौन सी माइनर होगी और कौन सी मेजर होगी। चलिए तो यहां स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन की बात करता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। देखिए मैंने कहा सेटजेब के अकॉर्डिंग मोर सब्सिट्यूट एल्किन होगी, वो मोर स्टेबल होगी। ठीक है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने सबसे पहले ये लगा लिया, ये दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दी मैंने, यानी ईथीन ले लिया मैंने। ठीक है भाई, अब मैंने क्या कर दिया, इसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक तरफ एच और एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूँ, प्रोपीन ले लिया। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप पर यहाँ कोई सब्सिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है इस एल्किन की स्टेबिलिटी इस एल्किन से ज्यादा होगी, क्यों, कि सब्सिट्यूट एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। चलिए फिर मैंने ये कहा कि अगर मैं एक ही कार्बन पर यहाँ पर भी एच लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी एच लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी एच और यहाँ पर भी, अब दो कार्बन पर सब्सिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, जब दोनों कार्बन पर सब्सिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। अब देखिए गौर से देखें तो ये सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म आपने 11th क्लास में डिस्कस किया है आपने। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बना दूं तो ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होती कंपेयर देन सिस फॉर्म के। ठीक है, ऐसे अगर मैं एक ही कार्बन पर, अगर एक ही कार्बन पर दोनों मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो कंपेयर देन दीज टू एल्किन्स इट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन। यहां जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी वो एल्किन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि अपन जानते हैं जो एल्किन बनी, सॉरी इसको ऐसे बनाना था, CH3 और ये CH2+। ठीक है, सॉरी ये CH3 था और यहाँ प्लस था भाई, बाय मिस्टेक। चलिए तो देखिए जाए, ये कार्बन अपने पास कार्बन कटायन है, और इस कार्बन कटायन की बात करें तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है,
यहाँ पे भी थ्री अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी थ्री अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहाँ जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उससे बनने वाली एल्केन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, मैंने इसको कंपेयर करते हुए इसको मैंने ज्यादा स्टेबल क्यों माना, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से उस एल्केन को ज्यादा स्टेबल माना है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे अगर मैं और सब्सटेंस ग्रुप लगा दूं इसी में, तो मैंने ये कहा कि अगर दोनों कार्बन पर सब्सटेंस ग्रुप लगा दूं, ठीक है, फिर ये और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। जब चारों के चारों एल्काइल प्री वैलेंसी ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कवर्ड बाय फोर मिथाइल ग्रुप या फोर एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर फोर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ थ्री एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ टू एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी टू भी है लेकिन यहाँ पर दूर दूर है। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा मोर सब्सटेंस कार्बन वाली कौन सी होगी, ये होगी क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उस एल्केन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और वो एल्केन एज अ मेजर प्रोडक्ट थ्रू द डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ हेलो एल्केन बनेगी। ठीक है भाई, तो ये था अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन थ्रू द सेटजेफ रूल। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अपन अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो मैंने एग्जांपल लिया CH3 CH2 Cl, मैंने यहाँ एल्कोहलिक KOH डाला, क्या बना, आप बनाइए CH3 CH CH3 Cl। यहाँ ले लिया मैंने एल्कोहलिक KOH और एक तरफ ले लिया मैंने एक्वस NaOH या एक्वस KOH, ये लीजिए। तीसरा क्वेश्चन CH3 CH CH3 CH2 Cl, यहां मैंने ले लिया एल्कोहलिक KOH। चौथा क्वेश्चन CH3 CH CH3 CHCl CH3, ये लीजिए एल्कोहलिक KOH। तो इस तरह से मैंने चार क्वेश्चन ले लिए हैं, इन चारों क्वेश्चन में एक और एड कर लीजिए, ट्रस्टी बटन कॉर्ड वाला भी यूज कर लीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए। हो गया होगा। चलिए देखिए तो क्या होगा, ये कार्बन अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन एस एलिमेंट होगी और ये बीटा हाइड्रोजन एलिमेंट होकर के क्या बना देगी, HCl का रिमूव करेगी और ईथेन का फॉर्मेशन ये कर लेगी, यानी ये बीटा एलिमिनेशन हो गया। देखिए ये अल्फा कार्बन और यहाँ बीटा कार्बन पर दो बीटा कार्बन पर सेम नंबर, सॉरी बीटा कार्बन पर ये दो मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं। अब ये बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन थ्री, यहाँ पे भी थ्री, तो सेम बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करिए, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करिए, दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है इसलिए आप कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव करवा सकते हैं। तो यहाँ से HCl बाहर निकल गया और ये जो कंपाउंड बना वो बन गया प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे अगर मैं एक्वस NaOH की रिएक्शंस करा रहा हूँ, तो एक्वस के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन देगा, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या 2-प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो ध्यान रखना एल्कोहल KOH और एक्वस KOH के अंदर एल्कोहल KOH में एलिनेशन होगा, बीटा एलिनेशन होगा और जबकि एक्वस NaOH की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जहां SN1 या SN2 हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, तो देखिए यहां ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो यहां से H निकल जाएगी ये वाली H और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहां से HCl बाहर निकल गया और ये अपने पास बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। अब देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन चाहेगा, तो आपने 11th में अगर ओजोनोलाइसिस पढ़ा है, तो देखो ये लास्ट ईयर अपने पास 12th क्लास में और सॉरी नीट JEE मेंस में भी आया हुआ है और कई बार 12th एग्जाम में भी अपने आया हुआ है, तो यहाँ से फिर वो क्वेश्चंस को एड कर सकता है। तो यहाँ से वो ओजोनोलाइसिस करवा दीजिए और कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले।
ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। ऐसे यहाँ देखो ये जो बीटा कार्बन है ये भी बीटा कार्बन है, अब यहाँ से भी एस निकल सकते हैं और यहाँ से भी एस निकल सकते हैं, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसको मैं ए कंडीशन दे देता हूँ, इसको मैं बी कंडीशन दे देता हूँ। अगर मैं ए कंडीशन की बात करता हूँ तो यहाँ से एच और ये सी एल निकल गया और ये एल्कीन बन गई, ठीक है, ये तो बन गया मेरे पास ए कंडीशन वाली। अब अगर मैं बी कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ से एच और यहाँ से सी एल बाहर निकल जाए, यानी सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। अब आप खुद नोटिस कीजिए कि यहाँ देखा जाए तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर मोस्ट सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि इस कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं, केवल यहाँ पर अकेला ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर मैं जनरली स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ये जो बी वाली कंडीशन वाले जो प्रोडक्ट है ये वाला, वो अपने पास क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये जो हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसे यहाँ से देखिए ये अल्फा कार्बन हो गया और यहाँ जो बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन है वो सारे सारे मिथाइल है, सेम कार्बन है, तो सेम में से कहीं से भी एक एस सी एल बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से एस सी एल बाहर निकली है और यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का बन गया, ये लीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन इजी वे समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से भी ये सेम प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ से भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे अपने पास एलिमिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, चलिए नोट कीजिए। देखिए जितनी भी रिएक्शंस अपन हेलोलिकन की देख रहे थे उन सभी रिएक्शंस को अपन देखिए एक ही पेज में अपन कवर कर सकते हैं इजी वे में। देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन, और अपन जानते हैं इसके इधर जो मैं मेथड लिखूंगा वो प्रिपरेशन मेथड लिखूंगा और इधर लिखूंगा मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए जो प्रिपरेशन मेथड है वो कौन कौन से हैं, बाई एल्किन, हमने एल्किल हैलाइड किससे बनाया है, बाई एल्किन, और एल्केन का अपन ने क्या करवाया है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के थ्रू अपन ने क्या बनाया है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया है, ये पहला मेथड। दूसरा बाई एल्किन, और एल्कीन का अपन ने क्या करवाया है, HX का एडिशन, HX का एडिशन, दैट मींस हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तीसरा जो मेथड था वो था अपने पास बाय अल्कोहल। अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ सारे रिएक्शंस कवर हो जाएंगे, तो आप जब भी चैप्टर्स को पढ़ें उस चैप्टर को लास्ट में आप इस तरह से कवर करें ताकि आपके जितने भी चैप्टर से रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो आपके एक ही पेज में कवर हो जाएगी। अब देखिए जहाँ एल्कोहल की बात की जाती है तो एल्कोहल के अंदर अपने पास अलग अलग मेथड्स थे, जिसमें मैंने कहा था कि फॉस्फोरस प्लस एक्स टू के साथ रिएक्शन करवा दी जाए या पी एक्स थ्री के साथ करवा दी जाए या पी सी एल फाइव के साथ रिएक्शन करवा दी जाए या एस ओ सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन करवा दी जाए डार्जन प्रोसेस या ल्यूकास एजेंट ड्राई जेडन सीएल टू प्लस कंसनट्रेटेड एचसीएल ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में करवा दी जाए तो भी अपने पास आरसीएल दैट मींस एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे जो चौथा मेथड है वो है बाई हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और हैलोजन एक्सचेंज में अपने दो रिएक्शन पढ़ी है, एक अगर फ्लोरिन का एक्सचेंज होता है तो स्वार्ट रिएक्शन, अगर फ्लोरीन का एक्सचेंज होता है तो स्वार्ट रिएक्शन हो जाएगी जिसमें फ्लोरीन का एक्सचेंज होगा, और दूसरी अगर मैं यहां पर एनएआई का देखूं यानी आयोडीन का एक्सचेंज देखूं तो यह हो जाएगी अपने पास फिंकेल स्टेन रिएक्शन। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, कंप्लीट जो मेथड्स हैं एल्केन के थ्रू, एल्कीन के थ्रू, एल्कोहल के थ्रू और हैलन एक्सचेंज से स्वार्ट रिएक्शन और फिंकल स्टेन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन में फ्लोरीन का एक्सचेंज हो रहा था और फिंकल स्टेन में आयोडीन का जो सोडियम आयोडाइड से मिलता था एजीएफ SBF2CUF3, इस तरह से अपने को ये जो कंपाउंड थे जहाँ से फ्लोरीन मिलती थी यहाँ से फ्लोरीन का एक्सचेंज करके अपन क्या बना सकते थे, फ्लोरोएथेन का फॉर्मेशन कर सकते थे। ये तो इधर प्रिपरेशन मेथड। अब देखिए यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले जो रिएक्शन अपन देखी है वो देखी है रिएक्शन विद मेटल्स, और सोडियम मेटल के साथ में अपने जो रिएक्शन देखी है उससे क्या बनता था अपने पास, इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन होता था, और जहाँ ये रिएक्शन थी वो कौन सी थी, वुड्स रिएक्शन, सोडियम के साथ में क्या यूज करते थे अपन, ड्राई इथर एज ए सॉल्वेंट। ऐसे यहाँ पर अगर एल्केन लाइड की रिएक्शन अगर हेलो बेंजीन से करवाते थे अपन, हेलो बेंजीन से वही सोडियम और ड्राई इथर की प्रेजेंस में, तो यह रिएक्शन हो जाती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यानी ये एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करता था और जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, वुड्स फिटिंग
रिएक्शन थी। ऐसे यहाँ अगर मैं देखो तो मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या कह रहा हूँ मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये क्या बना रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर रहा था, ये बना रहा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे अगर मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ एसएन रिएक्शन एक्वस एनओएच या एक्वस केओएच के प्रेजेंस में, तो थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये किसका फॉर्मेशन कर रहा था एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा था। और यहाँ पर अपन ने SN1 भी देखी और SN2 भी देखी है, SN1 में ऑर्डर 3-2-1 था और SN2 में ऑर्डर 1-2-3 था। ऐसे लास्ट रिएक्शन थी वो थी एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल केओएच, कौन सी थी एलिमिनेशन, पर एलिमिनेशन में भी अपन देखे तो कौन सी थी अपने पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन थी, और इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से अपने को क्या मिलता था एल्कीन का फॉर्मेशन होता था, क्या बन रहा था एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ क्या है अपने पास एल्कोहल का फॉर्मेशन। तो इस तरह से अपन जितने भी रिएक्शंस थी हेलो एल्केन से रिलेटेड वो सारी की सारी एनसीईआरटी के वो एक ही चार्ट के अंदर अपन ने कवर कर लिए। तो इस तरह से चैप्टर आपका इजी भी हो जाएगा और लर्न करने में भी आसानी रहेगी। स्टूडेंट्स यहाँ तक का जो टॉपिक था वो अपने कंप्लीट कर लिया है, अब आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हेलो एरेंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस बच रही हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस भी मैं अलग से चैप्टर में करवाऊंगा। ठीक है, जो चैप्टर कराऊंगा आज इतना ही कराऊंगा क्योंकि अपने पास यहाँ तक का जो टॉपिक है वो काफी लंबा हो गया, 20 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन जो नेक्स्ट जो जीआर बचा हुआ वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो वीडियो लेक्चर उसको कंप्लीट देखिएगा, नोट कीजिएगा और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और यहाँ जितने नेम रिएक्शन है उनको भी आप धीरे धीरे कवर करते जाइएगा क्योंकि मैंने जो नेम रिएक्शन है उनके लिए भी अच्छे वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।